चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं इलास्टिशन फोर। जो फोर है उसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा वेट असाइन करना होता है, वो लॉजिक क्लियर होना चाहिए। उसके बाद फॉर्मूला क्लियर होनी चाहिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल, मतलब वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय हम लिखेंगे वेट, और जो आंसर आएगा वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोला जाएगा। तो ये आपको क्लियर होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक बार। यहाँ पे इलास्टिशन फोर में दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ मीना एंड भद्रेश ऑफ अ फॉर्म एट अ 3 इयर्स परचेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 इयर्स। 5 साल के हिसाब से हमें ये कैलकुलेशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 साल दिए हुए, तो प्रॉफिट आप कांस्टेंट देखोगे तो बढ़ रहा है। 80 से 120 हो गया, 120 से 140, 140 से 160, 170 हो गया। तो प्रॉफिट कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, तो हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ईयर लिख दिया, ईयर जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे 5 साल वो लिख दिया। उसके बाद दूसरा जो है प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो हमने यहाँ पे लिख दिया 80, 120, 140, 160। अब वेट असाइन करना है 1, 2, 3, 4। लेटेस्ट ईयर को सबसे ज्यादा वेट दिया जाता है, मतलब जो करंट लेटेस्ट ईयर होगा इसमें 16-17 लेटेस्ट ईयर बोला जाता है। उससे पहले के उससे कम, उससे पहले के उससे कम, और सबसे कम जो हमारा 12-13 है उसको कम दिया जाता है। सबसे पहले बच्चा स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ प्रोडक्ट जो होगा वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो मतलब यहाँ 1 × 80,000, 80,000, 120 × 2, 240, 140 × 3, 4, 20, 160 × 4, 640, 170 × 5, 840। टोटल करोगे तो 22,30,000 आ जाएगा। ये हमारा वेटेड प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया बच्चा? वेटेड प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ पे अब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है, तो वेटेड टोटल वेटेड प्रॉफिट लिखा डिवाइड बाय वेट टोटल लिखा, तो 15 डिवाइड करोगे तो 1,48,667 कर दिया। राउंड फिगर इसमें किया है, पीछे के सब में नहीं करते बोलो। अब यहाँ ध्यान से देखो कितने ईयर के हिसाब से परचेज के हिसाब से बोला हुआ है, तो फॉर्म एट अ 3 ईयर परचेज यहाँ पे बोल दिया है कि 3 ईयर ऑफ परचेज आपको ये ढूंढना है। तो यहाँ पे 3 ईयर ऑफ परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो ये 3 आंसर आया। तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे 1,48,667 × 3 करते हैं तो 4,46,001 रुपीज़ हमारा गुडविल आ जाएगा। ये सिंपल सम है। अब जो सम आ रहे हैं वो थोड़े लॉजिकल ज़्यादा होंगे, फॉर्मेट बेस्ड है, प्रॉपर समझ के करोगे तो क्लियर हो जाएगा। मिलते बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।